डॉनबास में रूस के तगड़े वार झेल रहे यूक्रेन ने पुतिन को ऐसी धमकी दी जो अगर सच हुई तो रूस का खेल बुरी तरह बिगड़ सकता है। इससे पूर्वी यूक्रेन तो पुतिन के हाथ से दूर होगा ही, यूक्रेन का जो क्राइमिया 8 साल से रूस की मुट्ठी में है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना के एक मेजर जनरल ने रूस के उस पुल को अपनी हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जो क्राइमिया और रूस को जोड़ता है, और वो क्राइमिया में रूस की ऐसी लाइफलाइन है जिस पर अगर आंच आई तो क्राइमिया में उसका सिंहासन डोल जाएगा। जिसका मतलब यह होगा कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर राज करने का सपना देख रहे पुतिन के लिए डॉनबास तो दूर की गौड़ी साबित होगा ही, रूस अपने दबदबे वाले क्राइमिया को भी गंवा बैठेगा। यही वजह रही कि यूक्रेन के मेजर जनरल दिमित्रो मार्चेंको ने क्राइमिया में बने इस पुल को उड़ाने की धमकी दी है और एक इंटरव्यू में कहा कि हमें इस पुल को तबाह करना ही होगा ताकि रूस की सेना की तैनाती को रोका जा सके। जैसे ही ये होगा मॉस्को बुरी तरह घबरा जाएगा। लेकिन पेच ये है कि यूक्रेन को अपने इस मिशन के लिए पश्चिमी देशों से लंबी रेंज के हथियारों की दरकार है और अमेरिका जैसे देश लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को यूक्रेन को देने को राजी नहीं है। हालांकि फिर भी यूक्रेन के मेजर जनरल के धमकी देते ही रूस ने भी आनन फानन में बयान जारी कर दिया। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया कि रूस के पुल की पूरी तरह हिफाजत की जा रही है और वो लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन उस पुल में ऐसा क्या है कि उनको उसको खत्म करने की धमकी मिलते ही रूस सफाई देने सामने आ गया? अगर एक पुल को यूक्रेन ने निशाना बना भी लिया तो रूस का क्या बिगड़ेगा? तो ये पुल रूस की ताकत भी है और उसकी बहुत बड़ी कमजोर कड़ी भी। रूस ने 8 साल पहले 2014 में ही यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस ने वहां ये ब्रिज बनाना शुरू किया क्योंकि रूस और क्राइमिया के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं था। 2018 में पुल बनकर तैयार हुआ और आज वो रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाला मुख्य पुल है। रूस का यह पुल कर्च स्ट्रेट पर बना है और कर्च स्ट्रेट काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है। रूस काला सागर के इलाके और यूक्रेन के दक्षिण में अपनी सेना और अपने हथियार भेजने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल कर रहा है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी तो क्राइमिया में रूस ने इस पुल को ही अपना लॉन्च पैड बनाया था, इसलिए यूक्रेन ने इसी पुल का नामोनिशान मिटाने की धमकी दे डाली।